रुझ भाभी कुछ ना कुछ छुपा रही है। अब तो मुझे भी तुम्हारी बातों पर यकीन होने लगा। तो आ गया तुझे यकीन? मैंने कितनी बार तुझे ये बताया लेकिन तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया। और उधर मॉम, वो मेरी और अरूज की अलहदगी का सोच रही है। अलहदगी का? सॉरी बट आंटी के इस डिसीजन से मैं मुत्तफिक नहीं। रिश्तों को संभाला जाता है यार, बड़े सेंसिटिव होते हैं रिश्ते। 100 बार सोचा जाता है कोई फाइनल डिसीजन लेने से पहले। और ये जो सिचुएशन है, ये इंतहा की सिचुएशन नहीं है। मेरी बीवी जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, वो अपने पुराने दोस्त, अपने पुराने यूनिवर्सिटी फेलो के साथ घूम फिर रही है और मेरे सामने इस बात का इतराफ कर रही है। दिस इज समथिंग टू रियली वरीड अबाउट। आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम वरीड, आई एम वेरी मच वरीड अबाउट दिस। यार लेकिन सलमान, अरूज भाभी इतनी तो ना समझ नहीं है ना कि वो अपना बसा बसाया घर खराब कर दे। मेरा एक मशवरा मानोगे? थोड़ा टाइम दे दूंगा। वक्त मैं डरता हूं कि मजीद वक्त देने में कहीं वो वक्त ना आ जाए कि मैं मॉम के सामने अरूज का दिफा ना कर सकूं। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे मैंने आपसे कहा था ना, एक वक्त आएगा जब इमाद के साथ घूमने फिरने की वजह सामने आ जाएगी और सलमान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मुतमईन हो जाएंगे। हाँ तो बेटा, हल कब निकलेगा? जब सब कुछ हाथ से चला जाएगा। नतीजे तक तो पहुंच चुकी हूँ ताईजान, हल तो निकाल लिया है मैंने। अच्छा, क्या हल निकला है मुझे भी बताओ। बस कोई मजबूरी आ गई है जिसकी वजह से अभी आपको कुछ बता नहीं सकती। और रोज तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब खेल शुरू होता है तो उसका एक वक्त भी मुकर्रर होता है और इस खेल को वक्त के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। माना कि तुम बहुत एतमाद से खेल रही हो, मगर तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि वक्त तेजी से घट रहा है। नतीजे तक पहुंचने में ताखीर का फायदा सामने वाली टीम को हो सकता है। तुम्हें बहुत जल्द कुछ फैसला करना होगा। बेगम साहिबा, आपका जूस। अवसाई, ये उरूज के दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो तुम्हें सब कुछ बताती है ना, तो उसने बताया होगा। तुम मुझे बताओ क्या कहा उसने। नहीं बेगम साहिबा, छोटी बीबी साहिबा परेशान जरूर है लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। हाँ बस ये जरूर कहा था, वसाई मेरे लिए दुआ करना, मैं किसी बवर में फंसी हुई हूं और अल्लाह मुझे सही फैसला करने की ताकत दे।
अच्छा ठीक है जाओ तो। जी बस वो मैडम मुसरत के फोन आ रहे बार बार, आप अटेंड नहीं कर रहे। इस बेवकूफ औरत की वजह से 10 साल पुराना छुपाया हुआ राज उरूज के हाथ लग गया। बॉस ऐसे काम में तो इज्जत खतरे में ही रहती है। शाइस्ता मैडम से छुपकर आपने काम इतना खतरनाक किया। तुम भी मुसरत की जुबान बोल रहे हो। बॉस आपको क्या लगता है कि आप ज्यादती कर रहे हैं और कोई बोले भी नहीं? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है बॉस, अब आपको पता लग जाएगा कि 2 बीवियों का खर्चा कितना होता है। वो कैसे? 10 साल से कौन उठा रहा है खर्चा? पहले मैडम उरूज नहीं थी ना, अब आपके क्रिप्शन के सारे चश्मे सूख गए, सिर्फ रेत उड़ रही है। देखते हैं उरूज को भी। मैं डूबा ना तो सबको साथ लेकर डूबूंगा, याद रखना। बॉस देख लीजिएगा, अगर डूबने वालों में मेरा भी नाम है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सस्ती सी लाइफ जैकेट ले लूंगा। जाओ गेट आउट। बस वो मैडम नुसरत, मैंने कहा दफा हो जाओ, जाओ। हेलो मैम। फातिमा कमरे में आई है मेरे। ओके मैम। यस यस मैम। मैंने आपको स्टोनबरी की फाइल ईमेल की है। ओके। और एक और न्यू प्रोजेक्ट है, वो भी आपको ईमेल कर रही हूँ। ओके। आप दोनों के प्रिंटआउट्स निकालें और एक फाइल बनाकर मुझसे शेयर करें। ओके मैम।